जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे कोई बात नहीं है, बात सही बात यह है, आम बात यह है, आज में हमारी कामयाबी होगी। इन्हें सलाह दो At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सेंट्रल असेंबली का सत्र चल रहा था। आज हम सेंट्रल असेंबली को पार्लियामेंट या सांसद के नाम से याद करते हैं। अंग्रेज और अंग्रेजों के भारतीय चाटुकार भारत की भूमि पर भारतीय ट्रेड वर्कर्स को सियासत से दूर रखने की राह तैयार कर रहे थे। अचानक एक के बाद एक दो भयंकर धमाकों ने असेंबली में मौजूद अंग्रेजों और अंग्रेजों के चापलूस भारतीय असेंबली मेंबर्स के होश उड़ा दिए। एक बार फिर तो जियाले भारतीयों ने अपनी भारतीयता का सबूत देने के लिए जान की बाजी लड़ा दी थी। तमाम असेंबली धुएं से भर गई, हाथ को हाथ सुझाए नहीं दे रहा था। अंग्रेजों को कुछ समय के लिए तो ना नहीं याद आ गई होगी। धुआं छटा तो पता चला कि बम फेंकने वाले दो भारतीय नौजवान थे, बाटू केशवर दत्त और भगत सिंह, वो जियाले जिन्होंने असेंबली में अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। भगत सिंह के बारे में तो आप बहुत सुन चुके, बाटू केशवर दत्त के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। आइए आपको इस जियाले भारतीय के बारे में और अधिक बताते हैं, और बताते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी कि इन दोनों को असेंबली में बम फेंकना पड़ा। 18 नवंबर 1910 को पूर्व वर्धमान जिला के औरी गांव में जन्मे बाटू केशवर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको आज हम सांसद भवन या पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, एक के बाद एक दो भयंकर बम विस्फोट किए। इस महान कार्य में उनके साथ थे भगत सिंह। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जहां समूचा भारत भगत सिंह के नाम को जानता हो, बहुत ही कम लोग बाटू केशवर दत्त के बारे में जानते। ये बम विस्फोट करा के बाटू केशवर दत्त और भगत सिंह ब्रिटिश राज की मनमानी का विरोध कराना चाहते थे। बम विस्फोट किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपनी बात ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। जिस दिन बम विस्फोट किया गया वह दिन था जिस दिन स्वतंत्रता की आवाज को दबाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था। बाटू केशवर दत्त और भगत सिंह द्वारा की गई कार्रवाई के कारण उस दिन एक भी वोट पारित नहीं हो पाया। बाटू केशवर दत्त की भगत सिंह से मुलाकात 1924 में कानपुर में हुई थी, जहां के PPN कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। इसके बाद भी इन्होंने कानपुर में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काम करना शुरू किया। इसी क्रम में इन्होंने बम बनाना सीखा। आहिस्ता आहिस्ता बाटू केशवर दत्त और भगत सिंह गहरे दोस्त बन गए। 1924 में जब गंगा नदी में आए भीषण बाढ़ के कारण कानपुर में उनके हिस्से पानी में डूब गए, उस समय दोनों के मित्र तरुण संघ में शामिल थे, जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु बनाई गई संस्था थी। हाथ में लालटेन लिए दोनों मित्र रात के अंधेरे में गंगा के बहते जल प्रवाह के किनारे खड़े होकर ताकि पानी में डूबते लोगों को बचा सकें। दत्त ने भगत सिंह को बंगाली भाषा भी सिखाई और उन्हें काजी नजीरुल इस्लाम की कविताओं से अवगत कराया। भगत सिंह भी दत्त के सामने काजी नजीरुल इस्लाम की क्रांतिकारी कविताओं को गाया करते थे। काजी नजीरुल इस्लाम आज के बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काम करते हुए बाटू केशवर दत्त की मुलाकात अनेक स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। इसी जमाने में चंद्रशेखर आजाद भी झांसी, कानपुर और इलाहाबाद के इलाकों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ चला रहे थे। बाटू केशवर दत्त चंद्रशेखर आजाद के भी संपर्क में आए। 1928 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में हुआ तो बाटू केशवर दत्त भी उसमें अहम सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वे सीधे तौर पर शामिल थे। आज़ादी के मतवालों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाने की ठानी, जिसमें पुलिस को हर प्रकार की ताकत दी गई। जो कुछ कुछ आज के UPA एक्ट की तर्ज पर था, अंतर इतना था कि UPA एक्ट गैंगस्टर पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है, जबकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को गैंगस्टर का दर्जा देने पर तुले थे। कुछ समय पूर्व फ्रांस में एक व्यक्ति ने चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में एक बम फेंका था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। उसी से प्रेरित होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े क्रांतिकारियों की एक मीटिंग में तय हुआ कि बाटू केशवर दत्त असेंबली में बम फेंकेंगे और सुखदेव थापड़ उनका साथ देंगे। ये भी तय हुआ कि भगत सिंह उस दौरान सोवियत संघ की यात्रा पर होंगे, लेकिन बाद में भगत सिंह के सोवियत संघ का दौरा रद्द हो गया। दूसरी मीटिंग में तय हुआ कि बाटू केशवर दत्त बम प्लांट करेंगे, लेकिन उनका साथ सुखदेव के स्थान पर भगत सिंह देंगे।
ठीक वैसा ही हुआ जैसा इन्होंने सोचा था। बाटू केशवर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम को फेंका जहां बेंच खाली थी ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। सारा हॉल धुएं से भर गया। दोनों की इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज़ों के तमाम हॉल गूंज उठा, जबकि असेंबली मेंबर चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। साथ ही इन्होंने पैम्फलेट भी असेंबली में फेंके जिसमें लिखा था कि ये बम ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट का विरोध करने और लाला लाजपत राय की मौत का विरोध करने हेतु फेंके जा रहे हैं। इस घटना के तुरंत बाद असेंबली में ही बाटू केशवर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल के दत्त और पंजाब के सिंह ने साझा तौर पर दिखा दिया कि प्रांतों की दीवारों भारतीयों को नहीं बांटा करती। यहां बता दें कि साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाही द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। इस मौत का बदला अंग्रेजी राज के किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारकर चुकाने का फैसला क्रांतिकारियों द्वारा लिया गया, जिसको अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस नाम दिया। तारीख थी 12 जून 1929, जब इन देशभक्तों को सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बाटू केशवर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर कोर्ट जेल में डाल दिया गया। 1933 में जेल में रहते हुए इन्होंने और भारत सिंह ने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के खिलाफ ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसके सामने अंग्रेज सरकारों को झुकना पड़ा और कैदियों की राहत के लिए कई कानून लाने पड़े। अंग्रेज सरकार ने बाटू केशवर दत्त को लाहौर जेल से काला पानी की सजा काटने अंडमान द्वीप पर भेज दिया गया। फिर 1937 में अंग्रेज सरकार ने बाटू केशवर दत्त को अंडमान के सेल्युलर जेल से पटना स्थित बांकीपुर कारागार में स्थानांतरित कर दिया, जहां एक वर्ष और सजा काटने के बाद बाटू केशवर दत्त को 1938 में रिहा कर दिया गया। इस बार उन्हें चंपारण जिले के मोतिहारी जेल में रखा गया, जहां से उन्हें 1945 में रिहाई मिली। बाटू केशवर की मौत 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली में कैंसर से हुई। अस्पताल में भर्ती बाटू केशवर दत्त का हाल चाल जानने भगत सिंह की माता विद्यावती देवी कई बार पहुंची। अपने पुत्र की शहादत के बाद वो बाटू केशवर दत्त से बड़ा प्रेम रखती थी। बाटू केशवर दत्त की मौत के बाद इनका दाह संस्कार उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। अफसोस कि आज़ाद भारत में भारत के इस महत्वाकांक्षा से दूर शांत चित्त एवं देश के खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले क्रांतिकारी सपूत के अंतिम दिन बहुत ही गरीबी में गुजरे। हालांकि 1963 में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो छोटा सा ट्रांसपोर्ट का व्यापार करते थे। अभिनेता मनोज कुमार की एक फिल्म शहीद की कहानी लिखने भी इन्होंने योगदान दिया, जो 1965 में रिलीज हुई। उसी वर्ष जिस वर्ष बाटू केशवर दत्त ने उस दुनिया को अलविदा कहा। आज़ाद भारत ने देश के इस महान सपूत की कुर्बानी को नहीं पहचाना, सिवाय इसके कि पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज के लिए दक्षिण दिल्ली में बसाई गई कॉलोनी का नाम बीके दत्त कॉलोनी रखा गया, जो आज भी कुछ लोगों को भारत के इस अग्निवीर की याद दिला रही है। ये थी एक आज़ादी के अग्निवीर की कहानी, और बहुत से क्रांतिकारी ऐसे रहे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। हमारे देश की आज़ादी में योगदान देने वाले अग्निवीरों की कहानी जानने के लिए RNI को सब्सक्राइब करें।